चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी सरकार हर स्थिति में जनता को सुविधा देने को तैयार है। पहले के मुकाबले अब कोरोना मरीजों में कमी आई है। इस दौरान सारंग ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में आतंकवाद को संरक्षण देने का कार्य दिग्विजय सिंह करते हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि ब्रिटेन से वायरस की नई स्ट्रेन आई है, उसका प्रभाव न पड़े इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी व्यवस्था है। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग गाइडलाइन बनाई गई है। भोपाल में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आ पाएगा। भीड़ पर रोक लगी है। होटल में जितनी जगह है उतने में ही पार्टी करनी होगी और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सारंग ने कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। जनता का पैसा नेहरू परिवार पर खर्च किया गया है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह को लेकर सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। देश में आतंक को संरक्षण देने का काम दिग्विजय सिंह करते हैं। राम मंदिर के राशि संग्रहण पर हो रहे पथराव पर उन्होंने कहा कि राम और राम मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश में जो भी अराजकता फैलाने का काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर बनना इस देश के लिए अभिमान का विषय है। यह धन संग्रह नहीं, राम मंदिर कार्य सेवा है। देखिए, हम हर स्थिति में जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए तैयार हैं। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। अभी हम देख रहे हैं कि अपेक्षाकृत कम पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, पर एक शंका जो ब्रिटेन में जिस प्रकार से वायरस का नए स्ट्रेन आई है उसके बाद एक डाउट है कि कहीं उस तरह का वायरस का जो म्यूटेशन है उसका प्रभाव हिंदुस्तान पर भी ना पड़े, पर सरकार उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है। जैसा मैंने कहा कि चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे इलाज से जुड़े हुए बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सुविधाओं का मामला हो, हमारी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कोरोना को लेकर दिक्कत ना आए, पर जिस प्रकार से शुरू से ये कहा गया है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करना ही किसी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक वैक्सीन नहीं आता, जब तक इलाज नहीं होता, तब तक मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यही इसकी दवा है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि लोग नए साल में यही प्रण लें कि हम सब मास्क लगाकर रहेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और इस बात का हम संकल्प लें कि हम अपने को और अपने परिवार को कोरोना संकट से दूर रखेंगे। हम पहले से कहते आए हैं कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। कमलनाथ जी की सरकार में जिस प्रकार से गरीब बच्चों का, गरीब महिलाओं का और मध्य प्रदेश के दलित आदिवासियों का पैसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऐशो आराम में कमलनाथ जी ने और उनके गुर्गों ने खर्च किया, निश्चित रूप से कमलनाथ जी और नेहरू परिवार को शिक्षों के अंदर जाना चाहिए। इसमें कभी भी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात आती है तो अग्रसर के रूप में दिग्विजय सिंह जी आगे आते हैं। इस देश में जब भी अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की बात आती है तो उनको संरक्षण देने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं और हम उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करके अपना समय बर्बाद करें, मुझे नहीं लगता ये उचित है। देखिए, पहले भी शिवराज सिंह चौहान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति यदि कानून को अपने हाथ में लेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि इस देश, इस मध्य प्रदेश में वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपने उज्जैन की घटना की परिणति देखी है, ये मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम और राम मंदिर, इसको लेकर इस मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की यदि अराजकता का माहौल बनाने की कोई भी कोशिश करेगा तो वो स्पष्ट रूप से सुन ले कि उसको मध्य प्रदेश में सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं रहेगा। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है और राम मंदिर बनना इस देश के लिए, इस देश के 137 करोड़ जनता के लिए अभिमान का विषय है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।